अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाइयों, क्या हाल है? तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाइनेंस के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है। तो पहले मैं आप लोगों को अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि मैं कितनी अर्निंग रोज़ करता हूँ। तो मैंने यार अभी स्टार्ट किया है, तो मैंने 2000 रुपये लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी कुछ अर्निंग की है। यहाँ पर तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो चुका है। तो आप लोगों ने भी यार ये ट्रेडिंग ज़रूर सीखनी है और करनी है। इस पर अकाउंट बना कर एक दफ़ा आप ट्रेड करके देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आपने तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे बाइनेंस को कर दिया है रिफ्रेश। आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो सिंपली मैं आप लोगों के सामने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको अगर जीमेल अपनी याद है तो आप यहाँ पे लिख के भी लगा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप नीचे से आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लगी हुई यहाँ पे नीचे ओके करोगे तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे मैं नया एक जीमेल क्रिएट करता हूँ, अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले वही जीमेल लेनी है जिस पे अकाउंट आपके नए बनाना है। तो मुझे यहाँ पे ये वाली जीमेल पे अकाउंट बनाना है। ऑलरेडी मेरा अकाउंट एक पहले बना हुआ है, पर मैं आप लोगों के लिए अकाउंट बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपने इस पे ओके करना है। थोड़ा सा कुछ लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेट का इशू है मेरे पास, तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू अकाउंट बाइनेंस इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोबारा आपने डन करना है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे डन करोगे तो इसी वीडियो के अंदर मैंने अपनी आईडी का जो है ना रेफरल आईडी दी है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही ओके करोगे तो आपको USDT फ्री मिल जाएगी। तो आपने ओके करना है यहाँ पे। अभी बाइनेंस का अकाउंट बन चुका है, इसे आपने वेरीफाई कैसे करना है? आपने सिर्फ बाइनेंस के ऊपर अपनी जीमेल लगानी होती है और रेफरल लगाना होता है, बस उसके बाद जो प्रोसेसर है वो मेन चीज़ वही प्रोसेसर है। तो आपने कोने में ये नज़र आ रहा होगा बाइनेंस का लोगो, इस पे ओके करना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आपने अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है। बनाना तो बिल्कुल आसान है, उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ डिटेल ये मांगते हैं बाइनेंस वाले। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे फाइनली ये खुल चुका है, तो ये मांग रहा है गेट वेरीफाई। तो हम गेट वेरीफाई पे जाते हैं। सबसे मेन काम यही होता है अकाउंट वेरीफाई करना। आपका अकाउंट अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपने कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इस पे कितनी भी अमाउंट लगा सकते हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस कंट्री में रहते हैं वही कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने वहाँ से ओके किया यहाँ पे सारा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा नेट का इशू है इसलिए जो है ना थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि आप लोगों में थोड़ा कम समझा पा रहा हूँ नेट के इशू की वजह से। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दे देना है दोबारा जिस कंट्री में रहते हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान। जैसे आपका नाम फर्स्ट नेम, जैसे मेरा एजाज नाम है तो मैं लिख देता हूँ एजाज। मिडिल नेम नहीं लिखना, अगर आपका मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं। मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ एजाज अली, मेरा नाम है एजाज अली। तो आपने लिखना है ऊपर जैसे आपका नाम हो, मेरा नाम हो एजाज है तो मैंने ऊपर एजाज लिखा है, नीचे अली लिखा है। तो ये हो गया। ये बर्थ डेट आपने डाल लेनी है, मैं अपनी डाल लेता हूँ 2002 की। यहाँ पे पहला महीना तो आपने ये डाल लेना है। तो यहाँ पे जिस कंट्री में आप रहते हैं वो एड्रेस आपने डाल लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सिटी डाल दी है। जैसे आप सिटी डालोगे तो आ जाएगा पोर्टल कोड क्या होता है, ये आपको गूगल क्रोम पर मिल जाएगा। आपने गूगल क्रोम पर जाना है, वहाँ पर लिखना है जिस भी एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का नाम लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है पोर्टल कोड, तो सिंपली वो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओके करोगे तो आपसे वेरीफाई के लिए आपसे NIC मांगा जाएगा। तो आपने NIC की साइड पे पिक्चर लेके अपलोड करनी है, दूसरी साइड की भी पिक्चर लेके अपलोड करनी है। दोनों साइडों की पिक्चर लेके अपलोड करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ अकाउंट नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें डाल के ओके कर लेना है, आपका बाइनेंस का अकाउंट बन जाएगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो बाइनेंस पे जिस NIC के आप स्कैन लोगे तो वो असल होना चाहिए। अगर आपका कॉपी होगा तो ये अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यही था अकाउंट बनाने का तरीका। आप लोग यहाँ से अकाउंट बनाएं, उसके बाद कैसे इस पर पैसे डालने, ट्रेडिंग किस तरह करनी है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग वाली वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हमेशा मुस्कराते रहें। आपने सारी डिटेल डालने के बाद आपने चेक कैसे करना है कि वेरीफाई अकाउंट हो गया है, तो वो अकाउंट मुझे वेरीफाई नहीं करना था। ये अपना मैं अकाउंट दिखा देता हूँ कि वेरीफाई अकाउंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस का लोगो नज़र आ रहा है, इस साइड पर जाना है, देख लेना है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट वेरीफाई है। तो आपने अकाउंट सबसे पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर डिपॉज़िट करने हैं पैसे। डिपॉज़िट करके फिर आपने ट्रेडिंग वगैरह सीख लेनी है, फिर आप इस पर ट्रेड करें, फिर आप बहुत कुछ कमा सकते हैं इसके अंदर। तो यार आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी यार मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फाइनेंस पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, आर्डर कैसे लगाने, इसमें से फ़ायदा कैसे उठाना है। तो बाकी यार अल्लाह हाफिज़।